जी अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ई स्टेटमेंट हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं HBL मोबाइल ऐप के थ्रू। ई स्टेटमेंट है क्या, और इसके अलावा भी आपको, ई स्टेटमेंट के अलावा भी अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो कितने वे होते हैं, कितने तरीके होते हैं स्टेटमेंट हासिल करने के। तो सबसे पहले अगर हम ई स्टेटमेंट की बात करें, ई स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। ई स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इंटरनेट मतलब ईमेल के जरिए जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट को हासिल करना, कितने अर्से बाद हासिल करना है, आप कैसे पीरियड डिलीट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चल के बताऊंगा, और इसका तरीका बताऊंगा जो कि आप मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाऊँ स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और इसके अलावा ईमेल के अलावा आप दो और तरीकों से भी अकाउंट स्टेटमेंट हासिल कर सकते हो। एक तो यह है कि आप HBL मोबाइल ऐप से जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, जो कि तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन उसमें यह है कि HBL मोबाइल ऐप के थ्रू जब आप अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो सिर्फ 60 दिन की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, उससे ज़्यादा की नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड तरीका है वो यह है कि आप HBL का कोई ब्रांच विजिट करके वहाँ से अपने अकाउंट की स्टेटमेंट हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की स्टेटमेंट जो है ना वहाँ से हासिल करेंगे तो वो आपको पैसे चार्ज करेंगे, आपको आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट होंगे। तो आप चलते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ। स्टेटमेंट का जो एक्टिवेशन का तरीकाकार है वो क्या है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और बैंकिंग के हवाले से अगर आप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हो, मैं तमाम बैंक के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाता होता हूँ, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको बैंकिंग के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियोज देख सकते हो। तो चलते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ कि हम ई स्टेटमेंट कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं HBL मोबाइल ऐप को लॉगिन कर चुका हूँ। या हमारे पास मोर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, फर्दर हमारे पास जो सब ऑप्शन है वो हमें दिखाई देंगे। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास जो है ना यहाँ से माई अकाउंट के ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, और जो है ना यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है ई स्टेटमेंट एक्टिवेशन, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है ऑप्शन? ई स्टेटमेंट एक्टिवेशन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आ रहा है। फर्दर जो इंटरफेस है, यहाँ क्या है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको दिखाई देगा, और अगर आपके HBL में एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो यहाँ आप क्लिक करके जिस भी अकाउंट की स्टेटमेंट आप एक्टिव करना चाह रहे हो यहाँ से आप अकाउंट मुंतखब कर सकते हो। लेकिन अगर एक है तो आपको एक ही अकाउंट आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने अर्से बाद, कितने टाइम पीरियड बाद आपको स्टेटमेंट चाहिए, मतलब ई स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ हमारे पास अभी फिलहाल ऑप्शन है हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के बाद की हम स्टेटमेंट एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन बाद अवकात जो है ना कुछ बैंक्स और भी हैं, और HBL भी है, बाद अवकात जहाँ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं, पर मंथ का भी होता है, और हम अपनी मर्जी से जाना कोई भी पीरियड सेलेक्ट करते हैं। हाफ ईयर का मतलब यह है कि हर 6 माह बाद आपको ई स्टेटमेंट जो है ना रिसीव होती रहे ईमेल पे। और लेकिन आप लोगों को यह बताऊं कि यहाँ ईयर का ऑप्शन इसलिए नहीं है कि हर साल अकाउंट स्टेटमेंट, वैसे भी स्टेट बैंक की तरफ से है कि जिसका भी अकाउंट है उसको उसकी स्टेटमेंट मिलनी चाहिए। अगर आपका ईमेल एड्रेस अपडेटेड है आपकी, तो आपको ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो रिसीव होती होगी, लाजमी होती होगी। और अगर अपडेटेड नहीं है ईमेल एड्रेस, तो आपके घर के एड्रेस पे जो है ना आपको ई स्टेटमेंट जो है ना सॉरी आपको अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना लाजमी मिलती होगी। लेकिन अभी हम ई स्टेटमेंट एक्टिव कर रहे हैं ताकि हमें ईमेल के थ्रू स्टेटमेंट जो है ना रिसीव होती रहे। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। जो भी जो है ना HBL के रिकॉर्ड में HBL के रिकॉर्ड में जो भी ईमेल एड्रेस है वो वहाँ आप देख पाएंगे। और अगर आप ईमेल एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो आप ई स्टेटमेंट को एक्टिव नहीं कर सकते। तो इसका ई स्टेटमेंट एक्टिव करने से पहले या तो आप ब्रांच विजिट करके ईमेल एड्रेस जो है ना अपडेट कराएंगे, और ब्रांच को विजिट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप HBL हेल्पलाइन पर कॉल करके भी जो है ना ईमेल एड्रेस को अपडेट करा सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ टिप्स हैं। इंश्योर टू हैव करेक्ट ईमेल एड्रेस बिफोर सबमिटिंग दिस रिक्वेस्ट। यूज अपडेट कंटेक्ट डिटेल्स ऑप्शन इन माई अकाउंट टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस। हाँ, और ये भी एक तरीका है, अभी आप ईमेल एड्रेस को जो है ना माई अकाउंट में जाके वहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो, जैसा कि ईमेल एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, घर का एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, और जो है ना ऑफिस एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, करंट एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस भी एक्टिव कर सकते हो अपडेट कर सकते हो सॉरी इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर वो फाइंड कर लीजिएगा कि ये आप माई अकाउंट में जाके ये सारी चीज़ें कैसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी डिटेल्स चाहिए, उसके लिए आपके पास आप सी
ऐसी, और जो है ना एटीएम कार्ड का होना लाजमी है, लेकिन वो आप जब वीडियो देखेंगे तो वहां आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, या हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद क्या है, अकाउंट में देख सकता हूँ, और फ्रीक्वेंसी है वो हाफ ईयर है, और ईमेल एड्रेस है। यहाँ जो है ना मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक किया, इनेबलिंग ई स्टेटमेंट, जो कि भी आप देख सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब फॉर डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली ई स्टेटमेंट सर्विस ऑन दिस अकाउंट पर फर्दर असिस्टेंस का। हाँ, क्योंकि मैं ई स्टेटमेंट को ऑलरेडी जो है ना जो है ना एक्टिव कर चुका हूँ, इस वजह से ये एक्टिव नहीं हो रहा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप डेली का भी कर सकते हो, वीकली का भी कर सकते हो, मंथली का भी कर सकते हो, हाफ ईयरली का भी कर सकते हो, तो मैं मंथली ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इस वजह से जो है ना मंथली ऑलरेडी एक्टिव है स्टेटमेंट, तो इस वजह से नेक्स्ट जो है ना 6 मंथ स्टेटमेंट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा था। तो आपके पास जो है ना जो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है वो ज़्यादा होंगे, पर मंथ भी है, और जो है ना इसके अलावा 6 मंथ भी है, और 1 ईयर का ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओटीपी जो 1 टाइम पासवर्ड है वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। वो जैसे ही आप जो है एंटर करेंगे तो ये जो ई स्टेटमेंट है ये सक्सेसफुली आपकी एक्टिव हो जाएगी, और जहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन अपडेट सब्सक्राइब सक्सेसफुली। उसके बाद क्या होगा, जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे उतने ऐसे बाद आपको जो है ना आपकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपकी ईमेल एड्रेस पर आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेटमेंट एक्टिव है, इस वजह से ये एरर आ रहा था कि ऑलरेडी एक्टिव है, तो इस वजह से ये नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।